हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस हंटर ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि मैं 2 दिन से ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब थी। और ऐसे अच्छा भी लगता है क्योंकि मतलब जब घर वालों की तबीयत मतलब दादी की तबीयत ख़राब होती है ना, मतलब मूड अच्छा नहीं लगता किसी किसी का भी अच्छा नहीं होता घर में। और पापा और भैया भी नहीं है, वो गए हिमाचल दादी की दवाई लेने कहीं पर, केलोंग, मेरे ख्याल से केलोंग के पास। और अब मुझे वो मेरी मतलब अभी तो दादी की तबीयत सही है ना, तो मैं जाता हूँ दोस्तों के साथ। वहाँ से गाड़ी लेकर आनी है ताऊ जी के, जो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी क्योंकि कल से स्कूल भी जाना है मुझे। मतलब स्कूल तो आज से ही जाना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कल से स्कूल भी जाएंगे और जल्दी जाकर सही करवानी है। चलते हैं फिर वही ताऊ जी के यहाँ, नाश्ता तो बाद में आकर रहे हैं यहाँ पर। और ये हर्षित सो रहा अभी तक। ओए उठ जा, उठ जा, नहीं उठेगा। और वो भी सो रहा है अंदर दिव्यांश। सो भाई, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अब जाना है गाड़ी देने। दोस्त भी आ गए, मतलब धक्का लगा के लेकर आएंगे हम लोग पीछे से। और चलते हैं फिर। तो गाइस, फाइनली हम लोग गाड़ी लेकर आ गए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, गाड़ी मतलब लेकर आ गए हम लोग। जो मेरे साथ आए थे लड़के, वो मतलब घर चले गए, मतलब उनको घर क्या गए खेलने गए वॉलीबॉल। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए घर पे हम। और अंदर चल रहा टीवी, मतलब सब लोग, बड़े पापा अम्मा सब लोग देख रहे हैं टीवी, क्योंकि न्यूज़ से लाकर बैठे सब दिखाऊंगा मैं आप लोग। और ये दोनों, ये और ये खाना खा रहा है। ये क्या बना मम्मा? खाना में क्या बना है मम्मा? खाना क्या बना है? हाँ, आलू की सब्जी, गोभी मटर और अम्मा के लिए दाल बन रही है। गाइस, तो गाइस मतलब करते हैं खाना, मतलब खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, खाना आ चुका है, रोटी, फ्राइड राइस, आलू की सब्जी। तो हम लोग नीचे बैठे खाते हैं ना, लेकिन ठंड के दिन है, सब लोग अलग अलग बैठे खाते हैं। पहले मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद अभी और कहीं भी जाना है, मिलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि हम मतलब पहले तो बताया नहीं होगा, अब इसको स्कूल जाना है ना। वो जो पहले हम आंसर शीट्स लेने गए थे ना, अब इसको सबमिट करनी है। और उसके लिए चाहिए लिफाफा, लिफाफा मतलब जिसमें हम राखी वाखी नहीं रखते हैं, मतलब बड़ा सा आता है एक, वो लेकर आनी है। और चलते हैं, पहले वो लेकर आते हैं, उसके बाद दीदी पैकिंग करेगी उसकी, और दीदी और मैं जाकर लेकर आएंगे। ठीक है, ये आ गया हर्षित, ये हंसता रहता है, ये आ गया। तो भाई चलते हैं, मैं और ये जा रहे हैं अभी तो। गाइस, आज हम जा रहे हैं स्कूटी से। दिव्यांश, शक्ल दिखाओ। गाड़ी पार्क कर दिए, चलते हैं यहाँ से, लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा। भैया, बड़ा वाला लिफाफा आता है आंसर शीट रखने के लिए, ए फोर साइज होता है, दो दे दीजिए। कितने का एक? तो गाइस, पहले देखते हैं कैसा है, उसके बाद ही लेंगे। वाटर प्रूफ वाले होते होंगे ना ये? हाँ। वाटर प्रूफ ही है। लिफाफे तो ले लिए, हम निकलते हैं घर को फटाफट, क्योंकि स्कूल भी जाना है ना इसके। तो गाइस, मैं ये देखता हूँ डेली, मतलब मैं तो डेली आना लगा रहता है मेरा इस तरह। लोगों ने मतलब ना गाय को, भैंसों को मतलब रोड की तरफ बांध के रखा है, वो कीचड़ में, पता नहीं ऐसे क्यों रखते हैं लोग। क्योंकि गाय तो मेरे यहाँ भी है ना, तो मतलब हम लोग, हमारा तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट है उनके रहने का, खाने का, फिर इनका तो बिल्कुल गोबर दलदल है वहाँ पर, तब वहाँ पर गाय वैसे रह रही है इनकी, हमारे तो पूरा फर्ज पड़ा है। पता नहीं किस इस तरीके से रखना अच्छा नहीं लगता है ना इन लोगों का, यही बुरा लगता है कि मतलब तुम उनसे ही दूध ले रहे हो, गाय तुम्हें दूध दे रही है और तुम लोग उनको ही ऐसे तरीके से रख रहे हो, ये गलत चीज़ होती है। तो गाइस, ये वही जगह है, मतलब पहले मैंने आपको दिखाई नहीं थी, यहाँ पर एक कार खड़ी है ना, पहले हम यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते थे और एकदम मज़ा आता था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकर आ गए, अब जल्दी से इसको दीदी करेगी पैक। यहाँ पर दीदी ने पैकिंग तो कर दी है इसकी, और टेप लेकर आया नहीं, अब इसके ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस, पहुँच तो गए हैं इसके स्कूल, लेकिन इसका ये वाला गेट तो बंद है, वाले से जाते हैं, देखते हैं खुला हो या ना खुला हो, चेक करते हैं।
ये भी बंद है, पता करता हूँ अंदर जाकर। है तो गाइज मतलब आज बंद हो चुका है फालतू, पेट्रोल का बैंड भर गया, सब कहानी सारी कहानी मिट्टी मिल गई। तो गाइज ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं होगी पहले ना व्लॉग में, मैं पहले इसके जब स्कूल आया था तो पहले जो उसकी फर्स्ट ब्रांच होती है जो मतलब नर्सरी वगैरह वगैरह की होती है ना उसकी, ये है ये वाली ब्रांच। स्कूटी सही रहती है मतलब ना मोटो व्लॉग करने के लिए, मतलब आराम से हाथ से फ़ोन पकड़ लो एक हाथ से, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो गाइज ये रास्ता मुझे सबसे प्यारा लगता है क्योंकि ना ऐसा लगता है कि बीच में आ रहे हो, इधर साइड जंगल, इधर को जंगल, अलग सा ही फीलिंग आता है इधर आ कर, ये सब जंगल ही इधर। फाइनली मैं घर तो पहुंच गया, आपने देखा कि शीट जमा नहीं हो पाई और घर कोई गेस्ट भी आए हैं, पहले उनसे मिलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो भाई जैसे कि मैं अभी कोचिंग से आया था और मतलब कुछ सामान मंगवाया ना पापा ने, जैसे कि प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग मंगल का, मतलब मंगल वाल का हनुमान जी का, तो वो चढ़ा कर आना है, और दादी के लिए मतलब कुछ दाल वाल होती है ना पहले पतली करी खाई जाए वो चीज़ लानी, क्योंकि डॉक्टर ने भी वही खिलाने को कहा है। तो चलते हैं दीदी, हमें जाके लेकर आते हैं फटाफट। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल लेनी थी और बूंदी लेनी थी प्रसाद मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए, वो ले लिए, अब चलते हैं मंदिर को, प्रसाद चढ़ा के चलेंगे घर। क्या दीदी हम कहीं जाएंगे चुपके चुपके कर बिना बताए। तो भाई जैसे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मैं आ चुका हूँ मंदिर में हमारे, ये है मंदिर। अंदर कैमरा खोलना अलाउ नहीं है क्योंकि एक बार यहाँ पर चोरी हो चुकी थी इसी कारण की, मेरे इसी वजह से इसलिए मना हो गया ना, तो अंदर मैं खोलूँगा नहीं। दीदी गई है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और मैं सिर्फ सिर्फ यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए अंदर नहीं गया इस बस इसी वजह से। तो भाई दीदी गई अंदर, आ गई वो भी, अब देखते हैं पर मैं अब देखते क्या हैं, मैं भी मतलब सिर लगा लूँ एक बार। तो भाई दीदी और मैंने प्रसाद तो चढ़ा लिया और चलते हैं घर को। भाई घर तो आ गए ठीक है, अब दीदी और मेरा कुछ प्लान है वो बस आप लोगों को पता चलेगा। दिव्यांश और हर्षित को नहीं बटाना है, दोनों बगल में बैठे हैं, एक ये मेरे दादी का बीपी नापता हूँ, मतलब बीपी का चेकअप करना है, उसके बाद मैं लोगों से मिलता हूँ ठीक है। तेरे कार्टून ही चलते रहते हैं, तो भाई इसके हर टाइम कार्टून ही चलते रहते हैं। एंड गाइस एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आप लोगों को कि ना अब से मेरे ब्लॉग मतलब जैसे कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा और मेरा मॉर्निंग 8 AM आएगा, मतलब आज से मतलब स्टार्टिंग यही होगी 8 AM। दादी का मैंने ब्लड प्रेशर बीपी मतलब बीपी चेक कर लिया नॉर्मल था, और अब मैं और दीदी मतलब अपने प्लान के हिसाब से जाने हैं घूमने, किसी को नहीं बताएंगे बस मम्मी को पता है, हम निकलते हैं क्योंकि इन दोनों को पता ना चले, बस इसको दिव्यांश को इनको पता चलिए मतलब बैंड बजाएगा, इसलिए मैं हल्के लिए बोल रहा हूँ। तो गाइस जो काम हम करने आए थे वो हम लोगों ने कर दिया, वो पता नहीं चलता मैं इस ब्लॉग में मतलब अभी आप लोगों को बाद में बताऊँगा अभी ठीक है, अब चलते हैं घर को, कर दिया मतलब वो काम। गाइस घर तो हम पहुँच चुके थे और कोई पता चल गया था क्योंकि हम इनके लिए भी ले आए थे वो चीज दोनों के लिए, और ये तो फ़ोन पे लगा रहता। तो अब बन गया रात का डिनर करता हूँ, उसके बाद करूँगा व्लॉग को एंड। मेरे रात का डिनर आ चुका है, आलू की सब्ज़ी रोटी एंड ये थोड़ी सी मतलब मेथी, मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ हरी सब्ज़ी, आज खा लेते हैं, अब चलते हैं खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ लोगों से मैं। सो गाइस आखिरकार हम लोगों ने कर लिया डिनर, इसने भी और मैंने भी, और एक तो ये सोया हुआ है यहाँ पर, तो हमारी नींद, और पहले पढ़ाई भी करनी है क्योंकि थोड़ा सा काम करना है, स्कूल जाना, बहुत दिनों बाद तो स्कूल खोल रहे हैं। और अब मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मन स्कंदर ब्लॉग, एंड मेरे पिछले वाले ब्लॉग भी देखो आप लोग, तो बाय।